इडली बनाने के लिए मैंने ये सामक के चावल है जो 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, और साथ ही में मैंने ये जो हमारा साबुदाना होता है इसको भी मैंने भिगो के रख दिया था, तो ये भीग चुका है, इनको हम अब पीसेंगे। मैं मिक्सी में डाल रही हूँ चावल और साबुदाना दोनों को इकट्ठे पीसने के लिए। चावल डाले हैं पहले, अब मैं ये साबुदाना डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं अभी हमने करना, पहले हमने इसको पीसना है, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हुई तब हम पानी इसमें ऐड करेंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ एक ग्रीन चिली, अब इसको हमने अच्छे से पीस लिया, अच्छे से पीस लिया, अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। ये बैटर में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ये सेंधा नमक है, ये आप इसमें डाल के और इसको थोड़ी देर, इसको 10-15 मिनट ढक के रख देंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, 15 मिनट हो गए हैं, अब हम देखेंगे हमारे बैटर को, थोड़ा सा ये नॉर्मल हो गया, अब थोड़ा हल्का सा फूल गया। अगर आपको लगता है आप इसमें पानी ऐड करना चाहते हो, थोड़ा सा गाढ़ा है, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मैंने ली है इनो, अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप साथ में इसके इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो, और साथ ही इसके ऊपर 1 टीस्पून मैंने पानी डाल दिया ताकि ये थोड़ा एक्टिवेट हो जाए। देखो ये मिक्स हो गया अच्छे से, ये बैटर में हमारे ये एयर भर जाएगी और फिर हमारी इडली और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, इसीलिए हम इनो डालते हैं। ठीक है, बैटर मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रख लिए थे, अब इसमें हम मोल्ड में इडली के लिए ये जो बैटर हमने बनाया था ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने दोनों मोल्ड्स में डाल लिए, अब हम इसको बनाएंगे और रखेंगे इडली बनने के लिए। मैंने पहले ही बॉईल करने रख दिया था, अब मैं अपने इस इडली मोल्ड को इडली स्टैंड के अंदर हम डालेंगे। ये हमने इनको डाल दिया, अब हम इसको बंद कर देंगे अच्छे से और वेट करेंगे 15 से 20 मिनट, कम सेक पे इसको पकाएंगे। इडली हमारी रेडी हो चुकी है, तो हम देखेंगे, ये देखो है ना, सुंदर लग रही है ना इडली, और अच्छे से फूली हुई है, तो लेट्स सर्व इट नाउ। सो ये हमारी फास्ट वाली इडली रेडी है गाइज, यू कैन ऑल्सो इन्जॉय इट ऑन द फास्ट डे, आप किसी भी फास्ट में ये खा सकते हैं।